माह रमजान का मुतबरक महीना जारी है और इस महीने में सरकारी महकमों पे जो है ये जोर दिया जाता है कि वो लोगों के लिए जो है सहूलियातें जो है वो दस्तियाब रखी जाए, यानी फैसिलिटीज जो है उनको दस्तियाब रखनी पड़ती है। और कितना पैसा, इस वक्त हम बिल्कुल जिला अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मौजूद है, बिल्कुल यहाँ के इस एक बगल में जो है जिला तरक्याती कमिश्नर का ऑफिस है और दूसरी साइड बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यहाँ पे ऑफिस है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि स्ट्रीट लाइट जो है बिल्कुल जिला अनंतनाग के टाउन में फंक्शनल है। मैं आपको आज हकीकत दिखाऊंगा विजुअल्स में कि किस तरह से जो है टाउन जिला अनंतनाग में जो स्ट्रीट लाइट्स है वो किस तरह डिफर है। मैं आपको बताता चलूं कि कितने पैसे जो है इन स्ट्रीट लाइट्स में निकाले गए। हालांकि यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग भी है जिनको जो है पिछले 6 साल से काफी पैसा आया स्ट्रीट लाइट्स के लिए। अलबत्ता आज मुहर्रम का मुतबरक महीना है और ये जिला अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सिचुएशन जो है ये है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है और कोई भी स्ट्रीट लाइट जो है वो यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। कई सारे सवाल जो है सरकारी महकमों पे जो है खड़ा हो रहे हैं। जो यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग है वो आए रोज जो है ये दावा करते हैं कि हमने जो है टाउन को ब्यूटीफुल बनाया है, हमने स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल किया है। हालांकि कई सारे मुद्दत से जो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स थे म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के, उनके भी बड़े दावे थे कि हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की है, हमने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए हैं, मगर आज हम आपको अर्ली टाइम्स आपको हकीकत दिखा रहा है कि किस तरह टाउन अनंतनाग जो है बिल्कुल गुप्त अंधेरे में है और कोई भी स्ट्रीट लाइट जो है यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। ये जो आप आगे देख रहे हैं यहाँ से म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग का ऑफिस है, इनके बगल में भी जो है कोई भी जो स्ट्रीट लाइट है वो फंक्शनल नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फंड्स ऊपर से आते हैं क्या वो जो है ऑफिसर्स के जेबों में मत जाते हैं, क्या जो पब्लिक टैक्स होता है वो जाया मत हो रहा है। और ये जिला अनंतनाग का अनंतनाग के हेडक्वार्टर यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग का ऑफिस है और दूसरी साइड जो जिला तरक्याती कमिश्नर है उनका भी यहाँ पे ऑफिस है। यानी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बड़े ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पे दिन में बैठते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे हम आपको एक स्ट्रीट लाइट दिखाने की कोशिश करेंगे, या यहाँ से आप देख सकते हैं, या इस साइड में अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा उस साइड यहाँ पे बिल्कुल आप, ये जिला अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हाल है। आए रोज जो है बड़े दावे किए जाते हैं कि यहाँ इतना काम म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने किया, इतने प्रोजेक्ट पिछले 6 साल में आए, वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए उनने फैसिलिटी रखी। मगर जब हम हकीकत देखते हैं, जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है, कश्मीर में एक कहावत है गुड़ फाके टांगस रंग, यहाँ बड़े दावे किए जाते हैं हमने इतनी डेवलपमेंट की है, मगर डेवलपमेंट ये है इस वक्त आप माह रमजान का मुतबरक महीना जारी है और टाउन में आप ये जो मेन टाउन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रीट लाइट जो है फंक्शनल नहीं है। बस एक दो जो स्ट्रीट लाइट्स है वो जिला तरक्याती कमिश्नर के ऑफिस के बाहर जो है वो बिल्कुल फंक्शनल है। उस हवाले से अगर आप जिला तरक्याती कमिश्नर के ऑफिस से निकलेंगे तो जो मेनकदल का इलाका है या दूसरी साइड जो कोर्ट रोड है यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट जो है वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। हमारी गुजारिश है एलजी साहब से कि वो देखे कि पिछले 6 साल में कितना पैसा जो है यहाँ पे आया, कितना पैसा जो है ग्राउंड लेवल पे जो है खर्च हुआ। एक ग्रुप बैठना चाहे कमेटी जो है जिला तरक्याती कमिश्नर ऑफिस, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग को जो है कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहे, जो ये देखे कि म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग को पिछले 6 साल में कितना पैसा आया, कितना ग्राउंड लेवल पे खर्च हुआ और जो इलेक्ट्रिक विंग है म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग की क्या वो वाकई तौर पे जो है ग्राउंड लेवल पे फंक्शनल है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। क्या जो पैसे जो है स्ट्रीट लाइट्स के लिए आए थे क्या वो वाकई तौर पे जो है ग्राउंड लेवल पे खर्च हुए या नहीं हुए, एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए और ये देखना चाहिए आखिरकार क्यों जो है टाउन में जो है स्ट्रीट लाइट जो है फंक्शनल नहीं है। अगर जो लोग टैक्स देते हैं, अगर जो लोग फैसिलिटीज के लिए जो है हर महीने के बाद जो है यहाँ टाउन में पैसा देते हैं, क्या वजह है कि ये पैसा किन के जेबों में जाता है। हमारी गुजारिश है जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से कि वो ये देखिए
कि क्या ये फंड जो है सही तौर पे ग्राउंड लेवल पे यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और हमारी गुजारिश है एलजी साहब से कि पिछले 6 साल में जो म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग को पैसा आया, इस पे जो है एक प्रोब बैठना चाहिए, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, क्या वो ग्राउंड लेवल पे जो है सही तौर पे खर्च हुए या नहीं हुए, इस पे जो है लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब चाहते हैं। अर्ली टाइम्स अनंतनाग।